वहीं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित युवा उत्सव में सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय दुर्ग के छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन कर पाया पहला स्थान। साथ ही नाटक के माध्यम से दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय दुर्ग छात्र छात्राओं ने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित युवा उत्सव में छात्र अध्यापकों ने प्रश्न प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा इन प्रतिभागियों को विश्वविद्यालय द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस कड़ी में अब ये विद्यार्थी कर्नाटक में अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में भाग लेंगे। हेमचंद विश्वविद्यालय की ओर से प्रश्न प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय दुर्ग के प्रतिभागी द्वारा किया जाएगा। प्रतिभागियों को जिला शिक्षण समिति के अध्यक्ष प्रवीण चंद्र तिवारी, सचिव दिलीप इंगले, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर उमाकांति सिंह व सांस्कृतिक प्रभारी अर्चना सांडगी ने बधाई देते हुए सराहना की। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया भी दी। विश्वविद्यालय ने युवा महोत्सव के तहत 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक युवा उत्सव कार्यक्रम विभिन्न कॉलेजों में ऑर्गेनाइज किया था। श्री बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय ने प्रसन्न स्किट, जो लघु नाटक जिसको कहा जाता है, उसमें इन्होंने भाग लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब ये विद्यार्थी जो हैं आगे की प्रतियोगिता के लिए गुलबर्गा विश्वविद्यालय कर्नाटक में जाएंगे और ये लघु नाटक की प्रस्तुति वहां पर देंगे। तो हम लोग सिर्फ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने दुर्ग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कम 10 से 13 जनवरी के मध्य यहाँ पर युवा उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे जो दुर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी आते हैं सभी कॉलेज उनका आयोजन किया गया था, जहाँ पर हमें स्किट के माध्यम से लोगों को मौका दिया गया अपना बात रखने का और हमने प्रहसन के माध्यम से लोगों को प्लास्टिक बैंड के ऊपर अपना प्रहसन वहाँ पर प्रस्तुत किया। हमने स्किट में पार्टिसिपेट किया था और हम फर्स्ट आए हैं। 17 कॉलेजों के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था उसमें, और अब हमने प्लास्टिक बैंड के ऊपर किया था और अब हम गुलबर्गा यूनिवर्सिटी जाएंगे जहाँ युवा महोत्सव के तहत 27 से 31 तक एक कॉम्पिटिशन रखा गया है, उसमें हम स्किट में फिर से पार्टिसिपेट करेंगे। प्लास्टिक बैंड पर एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत किया था हमने। इस नाटक के जरिए ये बताना चाहा कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम कपड़े के थैले या फिर जो पेपर का बना हुआ पैकेट होता है उसका यूज़ करें। हमारी जिला शिक्षण समिति द्वारा संचालित सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय बीएड कॉलेज, जो कि पढ़ाई में और अनुशासन में तो हमेशा से आगे था यूनिवर्सिटी लेवल पे, अभी हमारे बच्चों ने एक स्किट में लघु नाटक में जो कि यूनिवर्सिटी लेवल का आयोजित था उसमें पार्टिसिपेट करके पहला स्थान प्राप्त किया, जिससे वो यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी यानी राष्ट्रीय स्तर के नाटक स्पर्धा में भाग लेने के लिए एलिजिबल हुए हैं। तो ये हमारे कॉलेज के लिए, हमारी संस्था के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे यहाँ के बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अब आगे आ रहे हैं। इनका अगला जो कंपटीशन है जो गुलबर्ग में है, कर्नाटक में गुलबर्ग जगह वहाँ पर है। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।